किसान भाइयों धान से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां हम आपको कई भागों में देते आ रहे हैं इस भाग में हम चर्चा कर रहे हैं धान में लगने वाले प्रमुख खरपतवार के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर खरपतवार से धान में नुकसान क्या क्या होता है अगर आपके खेतों में खर पतवार लग जाए तो आपके फसल को मिलने वाले पोषक तत्व पानी या अगर किसी खाद का छिड़काव करते हैं तो खर पतवार आपके फसल से वो सारी चीजें चुरा लेते हैं कहने का मतलब है कि फसल को उचित मात्रा में पोषक तत्व जो मिलने चाहिए वो खर पतवार ही ले लेते हैं और आपके फसल के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा करते हैं जिससे कि आपके फसल की वृद्धि और उसकी उत्पादकता में कमी आने लगती है जानकारों के अनुसार खरपतवार के कारण 33 प्रतिशत उत्पादकता कम हो जाती है इतना ही नहीं अगर खरपतवार की समस्या ज़्यादा हुई तो फसल में 10 से 60 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है खरीफ धान में जो खरपतवार की जो क्रांतिक अवस्थाएं हैं वह 40 से 50 दिन है 40 से 50 दिन के बीच अगर हम इसको खरपतवार से मुक्त रखें तो हमारे ऊपर जो उपज क्षमता है वह पूरी उपज हमको मिलेगा यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जो उत्पादन है वह 20 से लेकर के 70 पचहत्तर प्रतिशत नुकसान हो सकता है पहले मैं ये बताना चाहता हूँ ये खरपतवार होता क्या है खरपतवार वैसे पौधों को हम कहते हैं जो मनचाहे पौधों के साथ अनजाने में उगाते हैं और जो फसल के साथ कई तरह से प्रतिस्पर्धा करते हैं जैसे ज़मीन के लिए रोशनी के लिए ज़मीन में उपलब्ध नमी के लिए और ज़मीन में उपलब्ध पोषक तत्वों के लिए ये सारे चीज़ों के साथ खरपतवार, फ़सल के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं और इससे फ़सल की वृद्धि को रोक दे रोक देते हैं तथा इसकी उपज और उत्पादकता को काफ़ी कम कर देते हैं अमूमन हम क्या करते हैं इससे 33 प्रतिशत नुकसान हुआ करता है खरपतवार से 33 प्रतिशत फसल के उपज में कमी होती है लेकिन ये कमी फसल में उपलब्ध खरपतवार की जो मात्रा है उस पर भी डिपेंड करता है जिस तरह से अगर ज़्यादा खरपतवार है तो फसल की उपज में 60 से 70 फीसदी की भी कमी आ जाती है लेकिन अमूमन 33 प्रतिशत कमी हैं, फिर भी आप इसे नजरअंदाज न करें इसके अलावा कुछ और जलीय जो कि धान को नुकसान करते हैं जैसे कर्मी, जलकुंभी आइए इसे विस्तार से जानते हैं अपने विशेषज्ञों से इसमें जो मुख्य खरपतवार हैं, वह तीन कैटो तो, तरीके का तीन तरह का खरपतवार इसमें पाए जाते हैं एक चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार है दूसरा शकरी पत्ती और मोथा कुल के खरपतवार हैं चौड़ी पत्ती के खरपतवार जो है वह उसमें कनकवा और गर्मी के नाम से भी जानते हैं और जो शकरी पत्ती के जो खरपतवार हैं जो बहुत मात्रा में पाया जाता है वह जैसे शामी हो गया ये देख रहे हैं इसमें शामा की तरह जो है इसमें इसके फूल खिले हुए हैं तो यह शामी है और इस ये जो है काफ़ी माने फैल जाता है और जो पौधे को भोजन पानी और प्रकाश से काफ़ी जूझना पड़ता है इसकी वजह से और इसका उत्पादन पर काफ़ी असर पड़ता है इसी तरह से शामी कोदो के नाम से खरपतवार है जो खरपतवार उससे भी जो है तेल की तरह उसमें बाद में आ जाता है वह खरपतवार भी हमें उत्पादन पर काफ़ी असर डालता है इसी तरीके से जो मोथा कुल के खरपतवार हैं उसमें दो तरह के मोथा पाए जाते हैं एक ये जो है साइप्रस इडिया के नाम से इसको जानते हैं और यह जो है इसके पत्ती चौले चौले होते हैं और इसके फूल जो है खिले होते हैं इसी ढंग से एक दूसरी प्रजाति जो मोथा कुल के हैं उसकी वह जो है धान में कम मात्रा में होता है लेकिन वह भी धान में काफ़ी पाया जाता है इसको साइप्रस रोटेंडस के नाम से जानते हैं और जो सकड़ी पत्ती के खरपतवार हैं वह शाइनारोन डेक्टाइलॉन जो दूब घास कहते हैं तो वह भी जो है काफ़ी हमें क्षति पहुंचाती है तो ये सारी जो है प्रमुख खरपतवार हैं इसमें जो कुछ जलीय खरपतवार हैं उसमें कड़मी आता है और जलकुंभी ये भी जो है हमें काफ़ी नुकसान पहुंचाती है ज़्यादातर खरपतवार दो तरह के होते हैं एक सकड़ी पत्ती वाली होते हैं और एक चौड़ी पत्ती वाली होते हैं सकड़ी पत्ती वाली खरपतवार जो होते हैं जैसे धान में जो लगने वाले खरपतवार है इसको हम लोग इकाइनोकलवा गैली कहते हैं जिसके सावा के नाम से भी जानते हैं इकाइनोक्लवा कॉलोनाम के नाम से भी जानते हैं दूसरा चीज़ ये है कि फिर इसमें इल्यूशन इंडिका है फिर इसमें एगार्टम कोनीजाइड्स है जिसमें हम मकड़ा के नाम से जानते हैं इस तरह से कई सारे खरपतवार है जो खरीफ फसल में अक्सर उग आते हैं और यह फसल में प्रतिस्पर्धा करके इसकी उपज या गुणवत्ता को या इसमें लगने वाली लागत को भी बढ़ा देते हैं और इससे जो प्रोड्यूस होते हैं इसके जो उपज होते हैं वो भी हानि हो जाता है और उसके गुणवत्ता को भी गुणवत्ता में भी कमी आ जाती है इसीलिए ये कहा गया है ये थम रूल है कि फ़सल की पूरे जीवन काल का एक तिहाई शुरू का हिस्सा बहुत ही संवेदनशील होते हैं इसीलिए किसी भी फ़सल के शुरू के बढ़वार के वक्त उसको खड़पतवार से मुक्त रखना चाहिए किसी भी तरह की कोई खड़पतवार फसल के साथ नहीं रहना चाहिए इससे क्या होगा चलाया जाता है जिससे सारे खरपतवार एक एक करके नष्ट हो जाते हैं क्योंकि कोनो बीडर के पहियों में प्लेटूमा पत्ती लगा होता है इसके सहारे खरपतवार जड़ से ही उखड़ जाते हैं एक और जो विधि है खरपतवार को खत्म करने के लिए वह है खरपतवार नासी नाशी का प्रयोग जिसे कि किसान भाई करते आ रहे होंगे। आइए कौन कौन से खरपतवारों के लिए कौन कौन से रसायनों का प्रयोग करें इसके बारे में बता रहे हैं हमारे विशेषज्ञ जो सीधी बुआई हम धान करते हैं चौड़ी एवं सकड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार हैं उसके लिए एनिलोफोर्स जिसको एनिलो गार्ड के नाम से जानते हैं उसका एक दशमलव तीन तीन लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से लेते हैं या ब्यूटा क्लोर जिसको मैच्टी के नाम से जानते हैं उसका जो है तीन मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल करके और उसका छिड़काव तीन से पाँच दिन के अंदर करना रहता है इसी प्रकार पेंडीमिथिलिन इसका भी तीन एम प्रति लीटर पानी में घोल करके पाँच दिन के अंदर छिड़काव कर सकते हैं तो किसान भाई इस तीनों दवा में से कोई एक दवा का छिड़काव आप तीन से पाँच दिन के अंदर जो है कर देंगे यदि आप इस तीन से पाँच दिन के बीच में अगर छिड़काव नहीं किए हैं उसमें खरपतवार आ गया है तब दो से चार पत्ती के खरपतवार जब हो जाता है तो उसमें जो है थियोबेंड कार्ब का तीन मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल करके और उसका छिड़काव कर देंगे तो हम इस खरपतवार से मुक्त हो जाएगा और हमें जो उत्पादन मिलना चाहिए वह आप आपको संपूर्ण उत्पादन मिलेगा इसी तरह से जो बिचरा से लगाते हैं ट्रांसप्लांटिंग करते हैं उसके लिए जो है उस प्रमुख खरप खरपतवार नासी एनिलोफॉस ब्यूटाक्लोर थियोवेंडकार्ब और प्रोपेनील है इसमें इसे आप जो है एनिलोफॉस ब्यूटा क्लोर और ऑक्साइड आयोजॉन में से किसी एक का चुनाव करके आप उसमें छिड़काव कर देंगे इसी तरीके से अगर जो हम बिचरा रोपा करके लगाते हैं तो रोपा विधि में अगर आप समय तीन से चार पाँच छः दिन के अंदर अपने किसी भी खरपतवार नाशी का प्रयोग नहीं किए हैं तो उस अवस्था में आप जब खरपतवार हो जाता है तो हम उसमें जो है प्रोपेनिल नाम की दवा चार से छः किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसका छिड़काव करके आप जो है खरपतवार से खेत को मुक्त रख सकते हैं और इसके बाद जो है जलीय जहां पर जल का जमाव ज़्यादा रहता है जिस धान खेत में हमेशा जल का जमाव रहता है जहां उसमें जो है कर्मी और जलकुंभी की अधिक मात्रा रहती है और सेंवाड़ तो कर्मी और जलकुंभी को मारने के लिए आप एनिलोफॉस या ब्यूटाक्लोर या थियोबेंडकार्ब में से तीनों तीनों दवा में से कोई एक का आप छिड़काव करेंगे और यदि उस धान में शेमार की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो उस अवस्था में आप कॉपर सल्फेट यानी तूतिया तुतिया का 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की हिसाब से ले करके आप उसमें छिड़काव कर सकते हैं किसान भाई आप ध्यान रखने की बात ये है कि यदि आप इन सभी का दानेदार दवा जैसे थियोबेंड कार्ब उसका पाँच प्रतिशत चूर्ण और एनिलोफॉस का पाँच प्रतिशत चूर्ण का अगर आप उपयोग करेंगे तो उस वह ज़्यादा फायदेमंद होगा इसके लिए और दूसरी तरीके और भी इसके उपयोग करने का है क्यों एक सौ किलोग्राम बालू में अगर आप इन दवाओं को मिला करके उसका छिड़काव कर उसको छीटेंगे तो और भी ज़्यादा प्रभावी होगा इस तरीके से आप जो है खरपतवार का प्रयोग कर आप अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं इसमें छिड़काव जो है दो तरह के नोजल से करते हैं एक तो फ्लॉट फैन और जेट नेक जो है ये दो नोजल है जिससे छिड़काव करने पर उसके फप्वारे अच्छे बनते हैं और वह जो है आप ढंग से उसका छिड़काव कर सकते हैं और किसान भाई एक इसमें जो सावधानियां रखने की बात है आप दवा को तो हमेशा हवा जिधर जिस साइड से हवा चलती है उस साइड से ही आप जो है हवा की दिशा में ही उसका छिड़काव करना है अन्यथा जो हवा के विपरीत दिशा से अगर आप छिड़काव करेंगे तो दवा जो है वह आपके शरीर पर पड़ेगा और नाक या मुंह में जाने की संभावना रहती है और उस अवस्था में जो है आपको ज़्यादा हानि पहुंचाएगा और इस दवा का छिड़काव जब भी करें तो आप कोशिश करें कि जो है मैंने बारह बजे के बाद और बारह एक बजे के करीब आप जो है इसका छिड़काव करें ताकि मैंने जो इसका दवा का असर है वह खरपतवार पर सही ढंग से उसका पड़ सके रोकथाम के लिए कई तरह से रोकथाम करते हैं या तो उसको हाथ से उखाड़ के फेंकते हैं या तो उसमें जंत्रचाती मशीन से लगा के कर सकते हैं या फिर सहफसली खेती लगा के कर सकते हैं या फिर हम रासायनिक खरपतवार नियंत्रण भी कर सकते हैं ख़ास तौर पे जो धान पे लगने वाले जो हमारे खरपतवार है उसके लिए एक दवा है खरपतवार नाशी दवा जिसको हम लोग क्या कहते हैं मैचेटी कहते हैं ब्यूटा जिसे मैचेटिक के नाम से बाज़ार में उपलब्ध है इसका तीन से चार लीटर्स प्रति हेक्टेयर्स की दर से एक हज़ार लीटर या पाँच सौ से छः सौ लीटर्स पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर्स छिड़काव करने से इस तरह के खरपतवार से मुक्ति मिल जाती है इसके अलावा भी मोथा जो है इसको हम क्या करते हैं साइप्रस रोटेंडस कहते हैं और एक दूब भी होता है जिसे साइनोडन डैक्टिल भी कहते हैं ये नियल है ये बहुवर्षीय घास है ये भी फसल के साथ उगते हैं इसका भी रोकथाम के लिए हम क्या करते हैं या तो जिस खेत में ज़्यादा मोथा है उसको हम क्या करते हैं ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करके छोड़ देते हैं जिससे क्या होता है इसके नीचे में जो कंध है वो कंध ऊपर आ जाते हैं और तेज धूप की रोशनी से ये स्वतः नष्ट हो जाते हैं या नहीं तो फिर हम टू फोर डी नामक दवा का इस्तेमाल करके भी छिड़काव करके भी, कर भी इसकी रोकथाम कर सकते हैं अगर ऐसे जमीन में ए, मोथा होता है प्रति जमीन में जहाँ पर फसल नहीं है उसमें ग्लाइफोसेट नाम का एक दवा है ना, उसका भी छिड़काव करके हम इसका रोकथाम या नियंत्रण कर सकते हैं तो किसान भाइयों ये थे धान में पाए जाने वाले खरपतवार लक्षण और उनके निदान के तरीकों के बारे में जानकारी आप भी हर पतवारों को पहचान कर उनको नष्ट जरूर करें उन्हें नजरअंदाज न करें ऐसा करना आपके लिए काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है